हेलो दोस्तों, मैं अविनाश घोंगटे। भारत के इतिहास में सबसे अहम नाम दिल्ली है। ये वो शहर है जहाँ से सदियों तक हिंदुस्तान की सरजमी को शासित किया गया। कितने ही बादशाह बने और चल दिए, लेकिन इतिहास आज भी है। आज हम ऐसे ही एक धरोहर जिसने कितने ही सत्ताओं को बनते बिगड़ते देखा है, उसकी सैर करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के लाल किले की। लाल किला अपने आप में ही एक इतिहास है जिसने 200 सालों तक हिंदुस्तान की हुकूमत की अगुवाई की। ये दिल्ली के मुख्य 5 पर्यटन स्थलों में से एक है। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम और लाल किला दिल्ली के पर्यटन के मुख्य चेहरे हैं। तो फिर चलो चलते हैं लाल किला। लाल किला जैसे कि मुगल सल्तनत का निवास तथा केंद्र रहा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग इमारतें हैं। मुगल काल की विशिष्ट वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है और मेरे आने वाले वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ लाहौरी गेट, छत्ता चौक या बाजार, म्यूजियम, नगार खाना, दीवाने आम, वाइट मार्बल की बादशाह के बैठने की बालकनी, मुमताज महल, रंग महल, खास महल, दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद, हीरा महल, शाही गुर्ज, हयात बख्श बाग, जफर महल, सावन पवेलियन और भादो पवेलियन और रेड फोर्ट की बावली देख सकते हैं। लाल किले के प्रवेश के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेना होगा। लाहौरी गेट से प्रवेश के समय आपको सुरक्षा जांच से भी गुजरना होगा। ये वही गेट है जहाँ से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं तथा अपने भाषण से देश को संबोधित करते हैं। ये लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। यहाँ से आगे चलते ही आप छत्ता चौक में पहुँचते हैं। एक छोटा सा बाजार है, इसमें आप क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट की कुछ चीजें खरीद सकते हैं। छत्ता चौक से बाहर आने पर आपको म्यूजियम दिखाई देगा जहाँ मुगल समय की कुछ चीजें देखने को मिलेगी। इसके आगे आपको नौबत खाना दिखाई देगा। मुगल सल्तनत के दिन में तय समय पर नौबत बजाई जाती थी। सल्तनत के शाही परिवार के सदस्यों के प्रवेश तथा निर्गमन और त्योहारों के वक्त भी नौबत बजाई जाती थी। अभी इसके ऊपरी भाग में संग्रहालय बनाया गया है। मुगल तथा समकालीन कुछ अश्वों शस्त्रों को यहाँ पर संग्रहित कर रखा है। इसके सामने ही दीवाने आम है। दीवाने आम वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह जनसाधारण संपर्क हेतु बना बृहत प्रांगण था। बड़े बड़े खंभों और कमानों के बीच बने हुए एक अलंकृत संगमरमर के सिंहासन के छज्जे पर दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बादशाह बैठता था और अपनी सभा को संबोधित करता था और दरबार चलाता था। दीवाने आम की पिछली बाजू में मुमताज महल है, जो कि बादशाह की मुख्य बेगम मुमताज महल का निवास था। आज इसमें पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है। बाजू में रंग महल है, ये भी वास्तु शाही जनाने के लिए थी। कहते हैं कि इसकी चांदी की छत जो कि बाद में फरूख सियार के काल में उतार कर उसी से पैसा बिताया गया। इसके बाजू में खास महल है जो कि मुगल बादशाह का निवास था। इसके बाजू में दीवाने खास है, इसमें शाही दरबार लगता था। सारे बड़े अधिकारी तथा महत्वपूर्ण मेहमान यही मिलते थे। इसकी दीवारों पर तथा उनकी नक्शी काम किया बहुत ही शाही अंदाज वाला है। नहरें भी जो कि पानी के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र प्रणाली थी, जो किले के हर वास्तु तथा बागों से होकर गुजरती थी। गर्मी के दिनों में इसी नहर से नहर की वजह से सारे महल ठंडे रहते थे। इसके उत्तर में हमाम है जो कि शाही परिवार का स्नान गृह था। पानी का नहर इसमें से ही बहता था। इसके बाजू में मोती मस्जिद है जो औरंगजेब ने अपने लिए बनवाई थी।
इसके आगे हीरा और मोती महल है जिसे अंग्रेजों ने गिरा दिया। इसके आगे आपको शाही बुर्ज दिखाई देगा, इसमें जटकर बादशाह सल्तनत के लोगों की दास्तानें सुनता था। इसके आगे हयात बख्श बाग है, मुगल जो कि रेगिस्तान तथा बंजर इलाके से हिंदुस्तान आए थे उनके लिए ये मौसम, बारिश, नदियाँ, हरे भरे खेत, पेड़ पौधे नई बातें थी। बंजर मुगलों ने इन बागानों को अपना लिया और अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। इसी बाग के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें कभी पानी भरा रहता था लेकिन आज वो सूखा है। बहादुर शाह जफर ने इसके बीचों बीच एक महल बनवाया जिसे बाद में जफर महल कहा गया। इस बाग के दोनों छोर पर दो छोटी छोटी इमारतें हैं जिन्हें सावन और भादो पवेलियन कहा जाता है। लाल किले के उत्तरी छोर पर एक बावली है, ये एक सीढ़ियों वाला कुआ है जिसका उपयोग किले में पानी के लिए किया जाता था। लाल किला शाहजहां ने 12 मई 1639 में बनवाना शुरू किया और करीब 9 साल में बनकर तैयार हुआ। इसका वास्तुविद उस्ताद अहमद लाहौरी था। तटबंदी, दरवाजे, महल, दरबार, नहर और बागों के साथ साथ ये करीब 254 एकड़ में फैला है। जिस मुगलों ने इससे पूरे हिंदुस्तान पर राज किया उनके ही आखिरी बादशाह पर अंग्रेजों ने इसी किले में मुकदमा चलाया और बेदखल कर रंगून भेज दिया। इसी किले से मुगल सल्तनत आसमान भी छुई और मुंह के बल भी गिरी। अंग्रेजों ने इसे इतना ध्वस्त कर दिया कि कभी इस किले में 3000 लोग रहा करते थे इस पर विश्वास नहीं होता। नादिर शाह ने मुगल सल्तनत को खोखला कर दिया, मयूर सिंहासन और बहुत सारी लूट लेकर वो भाग गया। बाद में मराठों ने दिल्ली को संरक्षण दिया और कई साल अपना अंकित रखा। सिखों ने भी लाल किले को जीता था। आखिर में 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों ने इसे जीत लिया, बादशाह को कैद किया। कोहिनूर, शाहजहां का जाम और बादशाह जफर का ताज अंग्रेज ले गए, साथ में बहुत सारी लूट भी ले गए। स्वतंत्रता के बाद ये भारतीय आर्मी का ठिकाना बना। 2003 में आर्मी ने इसे पर्यटन विभाग को सौंप दिया, तब से ये पब्लिक के लिए खुल गया। 2007 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। लोग आते हैं जाते हैं लेकिन इतिहास वही रहता है, ना कुछ छुपाता है ना कुछ बदलता है। इंसान साथ में कुछ नहीं ले जाता लेकिन अपनी छोटी सी आयु में उसे कितना मोह रहता है। दूर बैठकर इतिहास इस छोटे इंसान पर हंसता होगा और कहता होगा कि आखिर में मैं ही सत्य हूँ। तो दोस्तों, ये था लाल किला और उसका इतिहास। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे और वीडियो देखने के लिए इस बेल बटन को दबाएं। अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखिए। धन्यवाद।